मंदिर में नमाज के बाद अब शुरू हुआ मस्जिदों में हनुमान चालीसा का सिलसिला। मथुरा बागपत आगरा से आए भाजपा नेताओं के हनुमान चालीसा पढ़ने के वीडियो और तस्वीरें सामने। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 2 नवंबर को दिल्ली से गए हुए फैजल खान, मोहम्मद चांद, उनके 2 अन्य हिंदू धर्मीय साथी पहुंचते हैं और नमाज का वक्त होता है। फैजल खान, मोहम्मद चांद मंदिर में वही नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। गंगा जल से पूरे मंदिर को पावन और शुद्ध किया जाता है। अब इसके जवाब में 3 नवंबर 4 नवंबर ये 2 दिन लगातार मस्जिद और दरगाहों पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। पहला मामला मथुरा का ही है। मथुरा के ही ईदगाह में 4 युवकों ने जाकर के बाकायदा वहां पे इमाम की अनुमति लेकर हनुमान चालीसा पढ़ा है। इमाम ने इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। मथुरा के ही कस्बा गोवर्धन के रहने वाले सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर, इन चारों ने मथुरा की ईदगाह में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा। इनका कहना था कि अगर मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में आकर नमाज पढ़ सकता है तो हम मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते, या हम पूजा अर्चा क्यों नहीं कर सकते। वहीं इन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस को इत्तला मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला बागपत का है। बागपत के विनयपुर गाँव में यहीं पर भाजपा के नेता हैं मनुपाल बंसल। इन्होंने बाकायदा जिला अध्यक्ष के ऐलान के बाद विनयपुर की मस्जिद में जाकर इमाम की अनुमति से हनुमान चालीसा पढ़ा। कैसे हनुमान चालीसा पढ़ा उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और भाजपा के ये पदाधिकारी हैं मनुपाल बंसल, बागपत में विनयपुर गांव के। तीसरा मामला आगरा से है। आगरा में शमशाबाद रोड में नवादा के पास एक दरगाह है, मज़ार है। यहाँ पर योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी है अजय तोमर, इन्होंने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ा है। तो बागपत और आगरा दोनों जगह कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं से और सीधे भाजपा से जुड़े हुए लोग अब मस्जिदों में जाकर के और दरगाहों पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों तीनों तरफ इमामों ने, मस्जिदों के ट्रस्टियों ने या उसके जिम्मेवारों ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एक तरफ बात यह कही जा रही है कि मंदिर में आकर के अगर नमाज पढ़ी जा सकती है तो मस्जिद में हम ये पूजा अर्चा और हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते। ये मथुरा के ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले चारों युवकों का कहना था। तो दूसरी तरफ बागपत में मनुपाल बंसल कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ाने के लिए, सद्भाव बढ़ाने के लिए हम मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे। कहीं ना कहीं दोनों तरफ अब ये धार्मिक भावनाओं को लेकर के एक नया उलझाव पैदा किया जा रहा है, नया टकराव पैदा किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आमतौर पर सुर उमट रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब सिलसिला शुरू हुआ है मस्जिदों और दरगाहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने का। ये दरबार सबके लिए, खुदा का दरबार, भगवान का दरबार सबके लिए। हर भाषा में इसमें मांगा जाता है, अरबी में मांगो, उर्दू में मांगो, संस्कृत में मांगो, ये सबके लिए दरबार होता है। बिल्कुल, ये नहीं कि एक धर्म के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, नहीं, सभी धर्मों के लिए दरबार होता है। आप किसी भी जगह अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से कुछ भी कहिए, किसी भी भाषा में पढ़िए, कहिए, ऐसा नमाज पढ़ी जाती है। 2 मिनट सर पे छाए हुए रखो, टोपी कहते हो, टोपी ना।
हाँ एक उच्चारण कर दो शांति हो हनुमान चंद भाईचारा हो सब शांति से भाईचारे से रहे हनुमान चंद नहीं ना सब भाईचारा हो सब शांति से रहे कोई कोई विवाद ना हो एक दूसरे से प्यार से रहे बस यही मैं आप सबको अपील करता हूँ कि सब लोग भाईचारे से रहें कोई तर्क वितर्क ना करें सब हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तानी हैं एक दूसरे पर कटाक्ष ना फेंकें मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अल्लाह की पाक पवित्र जगह में मैंने भगवान का नाम लिया है बड़ा अच्छा सम्मान मिला है यही भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ Thank you.